गार्डनिंग और खेती संबंधी ढेरों जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल होम गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और साथ ही ये बेल आइकन भी ऐसे एक्टिवेट कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज आपके पास पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं हूँ रविंद्र और आप हमारे साथ बने हुए हैं होम गार्डन यूट्यूब पर। सुबह काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और आज का मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ वह है कि गमले में हमारे नींबू के पौधे पर नींबू क्यों नहीं लगते। काफ़ी ज़्यादा क्वेरी हैं, सवाल हैं इस मुद्दे पर। बहुत से फ्रेंड्स पूछते रहते हैं कि सर, हमने अपने गमले में नींबू का, लेमन का पौधा लगाया हुआ है, लाइम का, काफ़ी समय हो गया फ्लावर्स नहीं आते, या फ्लावर आते हैं तो झड़ जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आपके पॉट में या गमले में नींबू क्यों नहीं आते। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश किया करें और दोस्तों शेयर भी कर दिया करें, जिससे यही जानकारी और हमारे जो किसान भाई हैं या गार्डनर फ्रेंड हैं उनके पास पहुँचे। तो शुरुआत करते हैं कि पौधे में क्या कमी होती है जिससे फ्लावर्स नहीं आते। सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए कि आपका पौधा कहीं रोग से ग्रसित तो नहीं है। पत्तियाँ देखिए, उस पर अच्छी चमक है कि नहीं, कहीं स्पॉट तो नहीं है। ब्रांचेस को देखिए, कहीं ब्लैक तो नहीं पड़ रही हैं या फिर डाई तो नहीं हो रही हैं। आपने देखा कि आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित है, सभी पत्तियां नई हैं, नई अंकुरण आ रहे हैं, पुरानी पत्तियां भी सही हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं, तो जनरली ये पक्का हुआ कि आपका पौधा हेल्दी है, कोई परेशानी नहीं फ्लावर और फ्रूट्स आने के लिए। अब हम देखेंगे कि हमारी केयर में कहाँ गड़बड़ है, और जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ है वो आती है पॉट में वाटरिंग की। ये देखिए, वाटरिंग मेरा बेटा करता है तो उसने भी वही गलती की जो जनरली आप सभी करते हैं, वो काफ़ी सारा पानी दे देता है, ओवर वाटरिंग। मई और सितंबर में नींबू की विशेष देखरेख करनी होती है, क्योंकि दोनों ही समय ऐसे होते हैं जब नई फसल के लिए फ्रूटिंग, फ्लावरिंग शुरू होती है, ब्रांचेस बनना शुरू होते हैं। तो सबसे बड़ा जो परेशानी का सबब है नींबू पर या कोई भी फलदार पौधे को अगर आपने पॉट में लगा रखा है, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आपका पौधा सही नहीं है तो फ्लावर्स नहीं आएंगे, रोग ग्रसित है, या फिर सही है तो फिर आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, ये पहली चीज़ हो गई। गर्मियों में 7 से 8 दिन बाद पानी देना चाहिए नींबू में, लेकिन पॉट में इतना अगर हम टाइम लेंगे तो पौधा ही सूख जाएगा। लेकिन फिर भी आप पॉट को ऐसी जगह रखिए जहां गर्म हवा ना लगे, और पानी देते समय विशेष ध्यान रखिए कि सीमित मात्रा में पानी दें। ये तो केयर टिप्स हुआ, देखरेख के मामले में हुई बात। दूसरी प्रॉब्लम्स आती है नींबू के साथ कि उसमें फल तब ही नहीं आते जब नाइट्रोजन की कमी हो। लेमन हो, अमरूद हो, कटहल, जामुन, अंगूर, कोई भी पौधा, फलदार पौधा अगर आपने अपने गार्डन में लगा रखा है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखिए कि पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट हैं जो तत्व चाहिए पौधों को वृद्धि के लिए, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए। उनमें सबसे ज़्यादा मोस्टली नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वृद्धि के लिए भी ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए, लेकिन जब फ्लावर्स आते हैं उस समय इसकी मात्रा अगर हल्की सी मिल जाए इसे पौधे को, नाइट्रोजन की, यूरिया से या NPK से कुछ दाने आप हर महीने, ध्यान रखिए ज़्यादा गर्मी ना हो, अगर गर्मी है तो बहुत कम दाने, 4-6 दाने NPK या यूरिया के अपने पौधे में आप लगा सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, यह है यूरिया और ये कॉमन फर्टिलाइज़र है रासायनिक। ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, पौधों की सुपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रखिए, ये जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर आपने इसे थोड़ी सी अधिक मात्रा कर दी तो फिर आपके पौधे को जलने से, डेड होने से कोई नहीं बचाने वाला। तो इसका बहुत ही सीमित और कभी कभी, जैसे ये करीब एक वर्ष का पौधा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये 4-6 दाने ही यूज कीजिए। और ये दाने भी तब लगाइए जब गमले में नमी हो। कभी भी इस लोभ में ना आ जाएं आप कि मैं अपने पौधे को बहुत जल्दी ग्रोथ कर दूं, बहुत जल्दी बढ़ जाए, तो एनपीके या यूरिया की मात्रा में थोड़ी सी बढ़ा दूं। अगर आपने इस पौधे में इतनी यूरिया भी दे दी या एनपीके दे दिया, तो दोस्तों ये पौधा आपको 4 दिन में बिल्कुल सूखा ही मिलेगा। तो ध्यान रखिए, रासायनिक फर्टिलाइज़र जितना फ़ायदा देते हैं उतने ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं उनके। ज़मीन में अगर एक बार के लिए आपके कुछ रासायनिक केमिकल या फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो गए तो मिट्टी अवशोषित कर लेती है, आपका पौधा बच सकता है। लेकिन आपने गमले में इसका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में कर दिया तो फिर आपके पौधे को कोई नहीं बचा सकता। यूरिया के अलावा आप कभी कभी वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद अगर यूज करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। यूरिया, DAP, NPK, जिंक जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, ये फ़ायदा देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप विशेषज्ञ हैं या आपने अनुभव किया हुआ है पहले से अपने पौधों में इसे लगाने का, तब तो आप इसे यूज कीजिए दोस्तों, वरना शुरुआत आप बहुत कम मात्रा से कीजिए। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र शाम के समय लगाएं, जिससे रात में नमी रहे, पौधे को साइड इफ़ेक्ट ना हो। लगाने के बाद तुरंत पानी ना दें, क्योंकि पानी आप देंगे केमिकल फर्टिलाइज़र घुल जाएगा और पौधा पानी को अवशोषित करेगा। तो एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा केमिकल की या फर्टिलाइज़र की आपके पौधे में पहुंच जाएगी और उस स्थिति में आपका पौधा मर जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा। ये 2 कंडीशन हुई गमले में नींबू नहीं आ रहे हैं। तीसरी कंडीशन उपाय है, आपने देखा कि आपके पौधे पर आपने सब किया, फर्टिलाइज़र भी दिया, पानी भी कम दे रहे हैं, फिर भी फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए एक दवा होती है नेफ्थलीन एसेटिक एसिड। ये एक हार्मोन है और एक दवा का मुख्य घटक है नेफ्थलीन एसेटिक एसिड। किसी भी खेती संबंधित जहाँ प्रोडक्ट मिलते हैं, फर्टिलाइज़र या एग्रीकल्चर संबंधी सामान जहाँ मिलते हैं, वहाँ आप इस दवा को ले सकते हैं वहाँ से। और एक वर्ष के पौधे पर 10 ml दवा आप 1 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव कर दीजिए मई और सितंबर में। मई निकल चुकी है, जून चल रहा है, जून में भी आप कर सकते हैं। ये उत्प्रेरक केमिकल है पौधों में, जो उत्प्रेरण प्रक्रिया है फ्लावर्स आने की, फल आने की, उसे बढ़ा देता है। और साल में इसे एक बार आप अपने फलदार पौधों पर ज़रूर यूज़ कर लिया करें, जिससे जो समस्या बनी हुई है आपके पौधों के साथ वो दूर हो जाएगी। धूप, पानी, खाद पौधों के सबसे मुख्य चीज़ें हैं बागवानी या खेती में, और तीनों ही चीज़ों का बैलेंस बना के रखना चाहिए। बॉर्नमील हड्डी का चूरा भी आप यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र है। आप पॉट में जब भी खाद दें तो उसे नोट करें अपने किसी कॉपी पर या कहीं बोर्ड पर कि मैंने आज इतनी तारीख को इतनी मात्रा में अपने गमलों में इस पौधे में ये खाद दी। फिर उसी क्रम को आप 20 दिन बाद फिर, यानी कि एक निश्चित तारीख, एक निश्चित समय होना चाहिए, एक सर्किल होना चाहिए आप अपने पौधों में किस तारीख को किस समय खाद दे रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों।
और ये केवल नींबू के लिए नहीं थी, सभी फलदार पौधों जो पॉट में आपने लगाए उन पर ये लागू होती हैं। ज़मीन में भी अगर आपने नींबू लगाया हुआ है और उन पर भी ये समस्या है तो आप नेफ्थलीन एसिड का प्रयोग कर सकते हैं और आपको बड़ी ताज्जुब होगा जब आप रिजल्ट देखें, काफ़ी बेहतर रिजल्ट आते हैं इनके। फ्लावर्स आने पर पानी सीमित दें और उस समय तो बिल्कुल ही ना दें, तो मुझे आज्ञा दीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, बने रहिए हमारे साथ YouTube होम गार्डन पर। थैंक यू।